खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां थाना सादात में आज एकल विद्यालय अभियान अंचल के तहत ग्राम स्वराज योजना प्रमुख नीलम चौबे, संच प्रमुख प्रतिमा मिश्रा के नेतृत्व में एकल विद्यालय के आचार्य बहनों के द्वारा थाना अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी, SI राकेश सिंह, SI सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल प्रबुद्ध कुमार, कांस्टेबल सौरभ यादव, शिवम यादव, कृष्णा कनौजिया, रूपाली सिंह, शोभनाथ सहित थाने में तमाम पुलिस कर्मियों के रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कलाइयों में राखियां बांधी गई, जिसमें एकल विद्यालय की काफी संख्या में आचार्य बहनें मौजूद रही। इसमें हम सादात थाना परिसर के आगंतुक कक्ष में है, जहाँ पे हमारे SO महोदय जी हैं और हमारी एकल विद्यालय की आचार्य बहने हैं। आज राखी का कार्यक्रम बहुत ही सकुशल ढंग से सम्पन्न हुआ। यह हम लोगों का हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार रक्षा सूत्र बांध करके एक संकल्प लिया जाता है कि हम बहनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उस रक्षा का निर्वहन करने के लिए हमारे जाबाज उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवान 24 घंटे सेवा में तत्पर रहते हैं और हमारे इस थाने के SO महोदय आलोक त्रिपाठी जी हैं और हमारे SI महोदय हैं और तमाम हमारे युवा कांस्टेबल हैं, हमारी बहन रूपाली सिंह जी हैं और हमारे एकल विद्यालय परिवार के लोग हैं। और हम ईश्वर से चाहेंगे कि सदैव इसी तरह से रक्षाबंधन का पर्व थाना परिसर में आकर आप लोग मनाती रहें और आप लोगों का भी जज्बा हौसला बढ़ाती रहें कि जो लोग अपने परिवार को छोड़ करके हमारी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा सूत्र उनके कलाई में बांध करके आप लोग एक संकल्प दिया करिए कि हम लोग भी जिस तरह से बांध रहे हैं, उस तरह सदैव आप लोग हम लोगों के साथ रहेंगे। अच्छा, हमारे नौजवान भाइयों बताइए, आप लोग देखिए राखी का त्यौहार हम लोग सब लोग मनाते हैं अपने परिवार में, आप लोग घर नहीं जा पाते, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? तकलीफ तो होती है, तकलीफ होती है, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है ना? हाँ। कि कम से कम एक बार आप लोग कलाई में राखी बांध करके उस कोरम को पूरा कर रही हैं। देखिए हमारे भाई युवा नौजवान लोग हैं, हमारे थाने में ड्यूटीरत हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है हम लोग को। देखिए हमारी बहनें अब बहनों को बांध, देखिए हमारी महिला आरक्षी रूपाली सिंह जी हैं और इनको भी बहन बहन को राखी बांध रही है, भाई उनको भी यह एहसास हो कि हमको भी राखी बांधी गई है, हमारी कलाई ना सुनी रहे, हम अगर भाई के पास नहीं जा पाए तो कम से कम बहन ही बांध करके बहन को संतुष्ट हो जाए कि हमारी बहन है, हमारे साथ में है। पहले सबका बदवा ले भाई, मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार अटूट बंधन का होता है भाई और बहन का। इस प्रक्रिया को बरकरार बनाए रखने के लिए हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। एकल विद्यालय परिवार की तरफ प्रतिवर्ष सादात थाने में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बड़े ही खुशी के साथ आप देख रहे हैं हमारे थाना अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी जी हैं और हमारी बहन है नीलम चौबे जी के साथ ही हैं, एक मिनट, प्रतिमा मिश्रा जी, उन्होंने रक्षा सूत्र अब बांधना शुरू किया है आलोक त्रिपाठी जी को। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, भाई बहन का प्यार बरकरार रखने के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है और यह पुलिस प्रशासन के लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे सदैव तत्पर रहते हैं। अगर हम आधी रात को भी कॉल करते हैं तो अगर परिवार में है तो परिवार छोड़ करके लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि जिस तरह हम देश की रक्षा करने के लिए हमारे नौजवान
ड्यूटी करते हैं, पहाड़ी में रहते हैं, चट्टानों पर रहते हैं, बर्फीली रेतीली स्थानों पर रहते हैं और हम अमन चैन की नींद सोते हैं, उसी तरह हमारे थाने में हमारे नौजवान सभी थाने में ड्यूटी करते हैं। हमारी कुछ महिला आरक्षी बहनें हैं जो कि ड्यूटी करती हैं, वो भी अपने परिवार को छोड़कर ड्यूटी करती हैं और हमारे थाने के जितने नौजवान भाई हैं ये लोग भी रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को जिंदाबाद रखने के लिए, यादगार बनाए रखने के लिए एकल अभियान के तहत हर थानों में रक्षाबंधन का त्यौहार सकुशल मनाया जाता है। आप देख रहे हैं हमारी एकल की तरफ से हमारी आचार्य बहने हैं जो कि रक्षा सूत्र भाइयों को बांध रही हैं। यह भाई वह भाई हैं जो 24 घंटे सदैव तत्पर रहते हैं हम लोगों की सेवा के लिए और हम लोग अमन चैन की नींद सोते हैं। अगर कहीं कोई घटनाएं घटती हैं फोन करने के बाद तत्काल अलर्ट मोड में पहुंचते हैं, क्या हुआ है, हम आ गए हैं, कहाँ पे है, क्या लोकेशन है। ऐसे नौजवानों को, इन लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ क्योंकि हमारे वही नौजवान हैं जो देश की रक्षा करते हैं तो हमारे गांव की रक्षा करते हैं। ये हमारे वो नौजवान हैं भाइयों, और आप अच्छी तरह जान रहे हैं हमारी एकल विद्यालय की हमारी आचार्य बने हैं जिन लोगों द्वारा यह कार्यक्रम आज सादात थाना परिसर में रखा गया है। भाई बहन के प्यार को बरकरार रखने का कार्य, और अभी हम बात करेंगे, इसको साफ खुद बताएंगे किस दायित्व का निर्वहन किस तरह लोग करते हैं। और हम इसमें गाजीपुर जनपद के थाना सादात के परिसर में, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का एक ऐसा त्यौहार होता है कि भाइयों के कलाई में रक्षा सूत्र बहने बांध करके एक संकल्प दिलाती हैं कि हमारे भाई हमारे लिए 24 घंटे रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी क्रम में हम आज सादात थाना परिसर में हैं और हमारे एकल विद्यालय के आचार्य बहने हैं, और यह देख रहे हैं आपके यहाँ थाना परिसर है, यहाँ के पुलिसकर्मी हमारे हैं, और आज जो है रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प दिलाई जा रही है, और हमारी आचार्य बहने थाना अध्यक्ष महोदय को, ईसाई महोदय को और तमाम हमारे युवा कांस्टेबल लोगों को रक्षा सूत्र बांधी हैं, और हम चाहेंगे किसी तरह से हम लोगों का त्यौहार सकुशल हर साल आता रहे और हमारी आचार्य बहने थाने परिसर में आकर के उन पुलिसकर्मियों के हाथों में कलाई बांधती है जो पुलिसकर्मी हमारी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, वो अपने घरों में नहीं जा पाते हैं, उनकी बहनें राखियां नहीं बांध पाती हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एकल विद्यालय की तरफ से कि हम लोग हर थाने में जाएंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, उन भाइयों को भी एहसास हो कि हमारी बहनें भी हमारे पड़ोस बगल में पास में पड़ोस में बसी हुई हैं। हम इस समय थाना परिसर में अजीत मधुरवाल जनपद गाजीपुर।